अरे भाई ये पोस्टर चस्पा करो, कुछ तो करो, उनके बाप का हिंदुस्तान नहीं है या वो उत्तरकाशी उनका नहीं है, सबका है, हिंदुस्तान है उसका मालिक, हिंदुस्तान की सारे जनता, वो किसी धर्म किसी मजहब की हो सबको वहां रहने का हक है, संविधान मौजूद है जो डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया। का स्वागत है एक बार फिर से, बड़ी खबर निकल के आ रही मणिपुर से, जहां पर 9 लोगों की जानें जा चुकी हैं, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक बार फिर से हिंसा भड़की है, शांति समिति से बाहर होता जा रहा है मणिपुर, बड़ी खबर निकल के आ रही है। मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा भड़की है, हिंसा थमने को नाम नहीं ले रही है। पूर्वी इम्फाल से खबर निकल के आ रही है, जहां पर इलाके में ताजा हिंसा भड़कने से 9 लोगों की मौत हो चुकी है, 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह जानकारी इम्फाल के पूर्व SP शिवकांत सिंह ने दिया है। बताया जा रहा है कि उग्रवादियों की ओर से अचानक गोलीबारी की गई, इसमें 9 लोगों की जानें जा चुकी हैं और कई लोग घायल बताए जा रहे, 10 ही नहीं बल्कि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं खनिमल लोक गांव में भी घरों में आग लगा दी गई है, साथ ही देखा जाए इसी के बगल गोबागंज गांव है, वहां पे कई लोगों को घायल होने की खबरें निकल के आ रहे हैं। दरअसल NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताया चले, 9 लोगों की मरने की खबर बताई जा रही है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। वहीं घायलों में देखा जाए इम्फाल में इनका इलाज चल रहा है। यह घटना उस समय हो रही है जब रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही टीम थोड़ी ढील देती है और ऐसे में उग्रवादी अचानक से गोलीबारी करना शुरू कर देते हैं। दरअसल आपको बताते चले, ना तो BJP की सरकार यहां पर हिंसा को कब्जे में कर पा रही और ना ही केंद्र द्वारा किसी तरह से कोई सक्रियता ली जा रही और पूरी तरह से देखा जाए सुरक्षा बल भी नाकाम होती जा रही। ऐसे में बिना राष्ट्रपति शासन लगे मणिपुर में हिंसा थमने को नहीं है। अच्छा, वही एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, उत्तरकाशी से बड़ी खबर है, जहाँ पर महापंचायत पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज कर दी गई है। जमीयत उलमा ए हिंद प्रमुख अमित शाह को लिखे हैं फिर चिट्ठी, बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पुरोला में प्रस्तावित महापंचायत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और साथ ही महापंचायत के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिका को हाई कोर्ट या फिर संबंधित अधिकारियों से संपर्क में सलाह करने के लिए कहा गया है। वहीं उत्तराखंड में देखा जाए DGP अशोक कुमार ने चेतावनी दी थी, उन्होंने कहा कि जिला पुलिस और प्रशासन पूरा तैयार है, हम राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी कदम उठाने को भी तैयार हैं, किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी, जो लोग कानून तोड़ने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। बताते चले प्रशासन ने 15 जून को होने वाली महापंचायत की अनुमति नहीं दी थी, हिंदू परिषद और प्रधान संगठन की ओर से इसकी अनुमति मांगी गई थी, लेकिन देखा जाए वहीं पुरोला में जिस तरह से धारा 144 लागू हो चुकी है और ऐसे में कोई भी महापंचायत नहीं होने वाली है हिंदू संगठन द्वारा। वही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, PM मोदी जा रहे हैं अमेरिका के दौरे पर, लेकिन इससे पहले एक और करारा झटका लग रहा है उन्हें, BBC की डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही है अमेरिका में, एक बार फिर से काला चिट्ठा पूरा सामने आने वाला है प्रधानमंत्री का, बड़ी अपडेट है। PM मोदी के दौरे से ठीक पहले अमेरिका में नरेंद्र मोदी पर बनी BBC की विवादित डॉक्यूमेंट्री द मोदी क्वेश्चन दिखाई जाएगी। सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट वॉच ने इसकी घोषणा की है, उन्होंने कहा कि मोदी की डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी उनके दौरे से पहले, आखिर लोग जान तो पाए मोदी के बारे में। ऐसे में मोदी को एक करारा झटका लगने वाला है, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्री बनी है 2002 में हुए गुजरात दंगों पर आधारित है, जिसमें पूरा एजेंडा मोदी द्वारा गढ़ंत किया गया था और खास आरोपी भी प्रधानमंत्री। ऐसे में ये डॉक्यूमेंट्री अमेरिका में नहीं बल्कि भारत में भी लोगों को दिखाना चाहिए, जिसके बाद प्रधानमंत्री का असली चेहरा दुनिया वालों के सामने आ सके। अच्छा, वही एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही मणिपुर से ही खबर है, जहां पर मणिपुर में गृह मंत्रालय की द्वारा बनाई गई शांति समिति की निंदा की जा रही है, पूरी तरह से फेल हुई है। इससे पहले भी मेतई और कुकी समुदाय लगातार असंतुष्ट थे और वो सरकार गिराने के लिए विरोध प्रदर्शन भी कर रहे थे। मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए सरकार के प्रयासों को एक और करारा झटका देते हुए एक महत्वपूर्ण मेतई नागरिक समाज संगठन ने मंगलवार को ही शांति समिति से अपनी वापसी की घोषणा की थी, यानी कि मंगलवार को ही पता चल गया था कि अब पूरी तरह से शांति समिति के पकड़ से बाहर होता जा रहा है मणिपुर। यही वजह है, देखा जाए तो पहले ही मेतई समुदाय के लोगों ने इसे इस्तीफा देना शुरू कर दिया। वहीं देखा जाए एक बार फिर से 3 मई के बाद हिंसा करारी भड़की, जिसमें 9 लोगों की मौतें हुई, अगर आंकड़ा देखा जाए तो 115 मौतों का पार हो चुका है। घायलों की संख्या की बात न की जाए, घर जलाए जा रहे हैं, 600 ज़्यादा हो चुके हैं। अब देख लीजिए पूरी तरह से मणिपुर में हिंसा भड़की है, ऐसा लग रहा है कि यह भारत का कोई राज्य हो ही ना, ऐसी हिंसा भड़की जैसे कोई अलग देश हो चुका हो। इस पर अभी तक प्रधानमंत्री ने चुप्पी नहीं तोड़े, आप इसे किस तरह से देखते हैं अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अगर आप भी इसके समर्थन में हैं कि जल्द से जल्द मणिपुर में हिंसा थमनी चाहिए, तो वीडियो को शेयर कर अपना समर्थन दीजिए। अच्छा भाई, एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है पुरोला से ही खबर है, जहां पर जिहाद को लेकर हिंदुओं की 15 जून को महापंचायत के बाद मुसलमानों ने भरने वाले हैं हुंकार, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। उत्तराखंड में पुरोला लव जिहाद विवाद पर लगातार
केंद्र की और राज्य सरकार की भी टेंशन बढ़ती जा रही है। उत्तरकाशी में हिंदुओं की 15 जून को प्रस्तावित महापंचायत के बाद अब मुस्लिम समाज ने भी महापंचायत करने का ऐलान किया है। लेकिन इससे पहले आपको बताते चले, 15 जून तक कोई भी पंचायत नहीं होने वाली है, यानी कि हिंदुओं को करारा झटका है, क्योंकि धारा 144 लागू है। साथ ही देखा जाए हाईकोर्ट ने भी इसे खारिज कर दिया है। लेकिन अभी मुस्लिम समाज द्वारा 18 जून को महापंचायत की घोषणा की गई। आखिर तब तक सारा मामला शांत हो जाता है तो महापंचायत होना तय माना जा रहा है, और ऐसे में एक करारा झटका रहेगा हिंदू समुदाय को, और धारा 44 तब तक भी हट जाएगी। और ऐसे में 18 जून महापंचायत होने वाला है मुसलमानों द्वारा। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर किसानों ने भरी हुंकार। जहां एक तरफ देखा जाए एमएसपी की मांग नीचे आ चुकी है, खट्टर तुरंत मान चुके हैं, लेकिन अभी तक किसानों की मांग पूरी नहीं हुई। किसानों ने फिर से भरी हुंकार, कहा अभी सारी मांगें पूरी नहीं हुई है। बड़ी अपडेट निकल के आ रही, भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह की गिरफ्तारी और कर्ज माफ को लेकर खाप पंचायत, जहां बुधवार को हरियाणा बंद का आह्वान किए थे। वहीं देखा जाए एमएसपी की मांग तो मांग ली गई, लेकिन वहीं अब ब्रिजभूषण की मांग को लेकर किसान आगे बढ़ रहे हैं, और इस बार दिल्ली कूच करने वाले, जहां पहले से ही अल्टीमेटम दिया गया था कि आज तो केवल हरियाणा बंद किया जा रहा है, खास प्रभाव दिल्ली में पड़ा, दूध और पानी की किल्लत रही। लेकिन वहीं एक बार फिर देखिए कि अब 18 तारीख को पूरा भारत बंद करने वाले हैं। ब्रिजभूषण के खिलाफ लगातार प्रदर्शन में किसान रहने वाले हैं, क्योंकि अगर किसान जा रहे हैं तो ब्रिजभूषण खुला छूटा रहेगा। वही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है दमोह से, मध्य प्रदेश के दमोह से खबर है, जहां पर गंगा जमुना स्कूल के अवैध निर्माण पर नगर निगम का हथौड़ा चल रहा है, लेकिन इसके विरोध में आम जनता सड़कों पर उतर आई है। अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के खिलाफ बच्चों ने भी किया है जमकर विरोध प्रदर्शन। दमोह के गंगा जमुना स्कूल पर अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन का मामला सामने आ रहा है। अभिभावकों ने इनके चलते देर रात तक जाम किया, हंगामा किया। इस दौरान वे सड़कों पर भी बैठ गए और स्कूल को फिर से चालू करने की मांग की गई। असल में देखा जाए मध्य प्रदेश के इस स्कूल पर धर्मांतरण का आरोप लगाया गया, जिसके बाद बड़ी कार्रवाई की जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से पहले हिजाब को लेकर बड़ा एजेंडा फैलाया गया था दमोह स्कूल को लेकर, और फिर वहीं अब देखा जाए तो धर्मांतरण का एक नया मुद्दा उठाकर केवल और केवल इसे सियासत और राजनीति मुद्दा बनाकर एक नई सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश की जा रही है मध्य प्रदेश में। वहीं और बड़ी खबर निकल के आ रही, राजस्थान चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है। पहलवानों के मुद्दों से देखा जाए तो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, राजस्थान में 4 महीने के अंदर चुनाव होने वाले हैं विधानसभा का, और ऐसे में भाजपा चाहेगी कि किसानों और खासकर पहलवानों का मुद्दा पूरी तरह से ठंडा हो जाए, क्योंकि जाट के अंदर 75 सीटें आ रही हैं। राजस्थान में जाटों पे 75 सीटें हैं और इस पर खास असर होने वाला है, और यही वजह है कि बीजेपी चाहेगी किसी भी तरह से राजस्थान में इन सीटों पर कब्जा पा सके, और यही वजह है कि वो किसानों और ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी जल्द कराना चाहेगी, और किसानों की मांग यही वजह रही कि किसानों की मांग भी मान ली गई। अगली खबर अपडेट निकल के आ रही है, उत्तराखंड में मुस्लिम दुकानदारों को दुकान खाली करने पर भड़के हैं सपा सांसद बर्ग। बड़ी अपडेट है, उत्तराखंड में जिस तरह से लगातार मुस्लिम के ऊपर अत्याचार किया गया, अब इसको लेकर सपा सांसद भी भड़क उठे। देवभूमि उत्तराखंड में लव जिहाद मामले में पूर्व देखा जाए यूपी के शाम्भल जिले के सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्ग पुष्कर धामी सरकार पर भड़क गए। विवादित बयान देते हुए उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड किसी की बाप की जागीर नहीं है, यह देश का हिस्सा है। उत्तराखंड में रहने के लिए सभी धर्म और मजहब के लोगों को कानूनी और कुदरती हक हासिल है, और ऐसे में किसी के ऊपर दबाव नहीं बनाया जा सकता। वो दुकान खाली करे, वो देश को छोड़कर जाए, या फिर वो राज्य को ही छोड़ दे। वहीं सपा सांसद ने ऐलान किया है, हम मुस्लिमों को उत्तराखंड में किसी भी कीमत पर पलायन नहीं करने देंगे, और उन्होंने कहा कि हिंदू बेटियां हमारी भी बेटी हैं, उनकी इज्जत और सुरक्षा हमारी भी जिम्मेदारी, लेकिन बीजेपी सरकार हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाकर टकराव कराना चाह रही, इसका केवल एक एजेंडा है, सत्ता में आना। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार पर 24 लोकसभा चुनाव का दबाव बन रहा है, ऐसे में वो जीत हासिल करने के लिए किसी भी हद तक गुजरने को तैयार हैं, और उन्होंने कहा कि एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है लव जिहाद को, ऐसा कोई भी जिहाद नहीं है, ना तो हमारे किसी भी धार्मिक पुस्तकों में लिखा है, जैसे कि कुरान में लव जिहाद के किसी भी तरह का मुद्दा नहीं है, लेकिन ये केवल और केवल बीजेपी द्वारा बनाया जा रहा है एक नया एजेंडा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है। वहीं अगले एक और अपडेट निकल के आ रहे, पलायन को मजबूर हो चुके हैं मुसलमान। 20 दिनों में सांप्रदायिक हिंसा ने बढ़ाई है टेंशन, लगातार सांप्रदायिक हिंसा में उबल रहा है उत्तराखंड। उत्तराखंड की शांत वादियों में इन दिनों सांप्रदायिक हिंसा का शोर है। पिछले करीब 20 दिनों से उत्तरकाशी में लगातार टेंशन बरकरार है। एक हिंदू नाबालिग लड़की को भगाने की कोशिश के बाद उपजा विवाद खत्म नहीं हो रहा है। हिंदूवादी संगठनों की ओर से धमकियों के बाद उत्तरकाशी के पुरोला में जहां मुसलमानों की दुकानें बंद कराई गई, उन्हें पलायन करने पर मजबूर किया गया। इस बीच
दोनों तरफ से मुद्दों में अब तूल पकड़ता जा रहा है और इसमें अन्य राज भी हिस्सा लेने को मजबूर हो चुके हैं। बजरंग दल ने 15 जून को महापंचायत का ऐलान किया था, लेकिन वही करारा झटका लगा है और इसी के बाद फिर 18 जून को जवाबदेही में मुस्लिम भी तैयार हैं, वो भी महापंचायत करने वाले हैं, लेकिन इन सबको एक करारा झटका लगा है। धारा 144 लगी और PSC लगातार चप्पे चप्पे पर खड़ी कर दी गई है। साथ ही देखा जाए इस पर हाईकोर्ट ने भी करारा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने कहा किसी भी तरह से सांप्रदायिक हिंसा न बढ़ गए राज्य में और यही वजह है उन्होंने इस याचिका को ही खारिज कर दिया है। दरअसल आपकी क्या राय है अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। वैसे इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।